हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं बेयर फेस क्यों हूँ, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि उनके डार्क सर्कल बहुत ज्यादा हैं, तो वो उसके लिए क्या कर सकती हैं जिससे उनके डार्क सर्कल जो है वो कम हो जाए या धीरे धीरे गायब हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं दो DIY आपके साथ शेयर करूंगी। दोनों ही बहुत ईजी है, बहुत जल्दी आप उन्हें बना लेंगे और बहुत अच्छे से आप उन्हें अप्लाई भी कर लेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से हैं ये DIY, साथ ही साथ उन्हें यूज कैसे करना है या फिर उनके फायदे क्या हैं, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहली बात कि आज के वीडियो में मैं दो DIY दो पैक आपके साथ शेयर करूंगी। अगर इनमें से किसी के साथ भी आपको कोई एलर्जी है, जैसे कि बहुत लोगों को बहुत सारी चीजों से एलर्जी होती है, अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे बेसन से एलर्जी है, मैं बेसन यूज करती हूं तो मेरे फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं, अभी भी निकला हुआ है। तो अगर आपको भी इनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो उसे यूज बिल्कुल भी मत करिएगा। दूसरी बात यह है कि आज की वीडियो में जो दो पैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पर्सनली मैं भी उसे यूज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ, नहीं, मैं खुद भी यूज करती हूँ। और तीसरी बात यह है कि जो DIY होते हैं, जो हम घर पे पैक बनाते हैं, वो एक दिन में अपना असर नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल होते हैं, तो इन्हें आपको रेगुलर यूज करना होगा, तभी आपको विजिबल डिफरेंस नोटिस होगा। ये कोई ब्लीचिंग प्रोडक्ट नहीं है जो आपको एक दिन में अपना असर दिखा देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये अच्छे से वर्क करें तो इन्हें आपको रेगुलर फॉलो करना होगा। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी है, हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इन पैक को बनाना कैसे है, उसके बाद इसे यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है, उसका रस निकाल लिया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका रस यूज करें। अगर आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना हो तब आप ज्यादा ले सकती हैं, लेकिन मुझे पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना है, इसलिए मैंने एक चम्मच ही लिया है। अब इसे अप्लाई करते हैं। तो जो सबसे पहला पैक है वो है आलू का रस। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच ही लिया है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं पे इसे यूज करूंगी, पूरे फेस पे यूज नहीं करूंगी। एक बात और, अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है या फिर टैनिंग हो गई है तो आप आलू का जो जूस है उसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, या फिर उसमें गुलाब जल मिक्स करके और मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके एक फेस पैक बना के अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकती हैं। ये बहुत अच्छा फेस पैक है, लेकिन इसे वीक में 2 से 3 बार ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। और ये जो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे भी आपको वीक में 2 से 3 बार ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। अब अगर मैं इस आलू का जो रस है, जूस है, इसे यूज करने की बात करूं तो आप इसे अपनी फिंगर से लेके और अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक कॉटन की हेल्प से इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं जो प्रिफर करती हूं वो ये है कि आप इसे कॉटन पैड को इसमें डिप करिए और इसे अच्छे से वेट करिए। इतना नहीं कि टपकता रहे जूस, लेकिन हाँ, वेट हो जाए, उसके बाद आप इसे ऐसे अपने फेस पे, सॉरी, आइस पे रखिए और कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रिलैक्स करिए। उसके बाद जब आप इसे रिमूव करेंगे तब हल्का सा मसाज करके और इसे रिमूव कर दीजिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, फिलहाल मैं कॉटन यूज करने वाली हूँ। इससे आपको हल्का हल्का मसाज करना है, बहुत हल्के हाथों से, क्योंकि आंखें जो होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे जो ये स्किन है वो हमारे फेस से 6 टाइम ज्यादा पतली होती है। आपको ऐसे करना है, उसके बाद जो कॉटन है उसे पूरी आईज को कवर कर लेना है कुछ इस तरह से, और इसे आपको रखना है कम से कम 10 से 15 मिनट। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आप अपना फेस जो है वो वॉश कर लीजिए नॉर्मल पानी से। कोई जरूरी नहीं है कि आप गर्म पानी यूज करिए, लेकिन नॉर्मल पानी से आप अपने फेस को वॉश कर सकती हैं। अब सेम ये है कि अगर आपके फेस पे भी पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो उसके लिए आप मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके फेस पैक बना सकती हैं, जो कि बहुत अच्छा वर्क करता है।
अब आप सोच सकती हैं कि ये कितना इजी है। इसमें है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, लेकिन अगर आप कॉटन पैड यूज करती हैं तो आपको बस ऐसे रख लेना है बस। तो इस अगर आप इसे रेगुलर फॉलो करती हैं तो आपके जो डार्क सर्कल हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। सेकेंड पैक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पिंच हल्दी ली है। ये जो घर में यूज होती है वही हल्दी है, कुछ स्पेशल नहीं है। और उसके बाद मैं लूंगी एलोवेरा जेल, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल। इसे भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही यूज करें, जितना आपको जरूरत हो उतना ही क्वांटिटी लें। अगर आप पूरे फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो एलोवेरा जेल की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। फिलहाल मैं भी पूरे फेस पे ही अप्लाई करूंगी, इसलिए मैंने एक चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा एलोवेरा जेल लिया है। अब आ रही है हमारे दूसरे पैक की, जो कि है एलोवेरा जेल और हल्दी, और इसे भी आपको वीक में 2 से 3 बार ही यूज करना है। वैसे ये बहुत अच्छा फेस पैक है, और एलोवेरा जेल की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे अपनी आईज के नजदीक भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अपनी आंखों में ना जाए, लेकिन आप इसे अच्छे से अप्लाई कर सकती हैं। अब इसका एक नुकसान भी है, नुकसान नहीं है लेकिन एक माइनस पॉइंट है, और वो ये है कि हल्दी जो है वो आपके फेस को स्टेन कर देती है। लेकिन उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, आप फेस वॉश यूज करती कर सकती हैं, मुल्तानी मिट्टी से अपने फेस को वॉश कर सकती हैं, तो हल्दी का जो स्टेन है वो चला जाएगा। यहाँ पे मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, और अब आपको करना ये है कि आपकी जो रिंग फिंगर है ये वाली, इससे आपको हल्के से मसाज करनी है। बहुत हल्के हाथों से ही करिएगा, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फोर्स आपको लगाना नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी रब नहीं कर रही हूँ, ये देखिए, नहीं तो ऐसे किया जाता है, इसे ऐसे करना है आपको। अब पूरे फेस पे भी आप मसाज करिए, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ पे आपने हल्का सा मसाज किया, कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपको इस मसाज करना है। उसके बाद आपको इस फेस पैक को, या ये जो पैक है, इसे आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक अपने फेस पे रखना है। फिर आप चाहें तो हल्के गुनगुने गर्म पानी से अपने फेस को वॉश कर सकती हैं। याद रखिएगा कि गुनगुना पानी आपको यूज करना है, ना कि गर्म पानी आपको यूज करना है। तो मैं इसे थोड़ी देर रखूंगी, उसके बाद मैं फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैंने अपना फेस जो है वो वॉश कर लिया है। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैंने ये चीज पहले ही आपको बता दी है कि क्योंकि इसमें हल्दी है तो हल्दी आपके फेस पे स्टेन करेगी, या हल्का सा आपका फेस जो है वो येलो दिखेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकती हैं कि आप कोई मिसेला वाटर यूज कर सकती हैं और अपने फेस को क्लीन कर सकती हैं, जिससे होगा ये कि जो हल्दी है वो आपके फेस से रिमूव हो जाएगी और आपको फेस वॉश भी नहीं करना पड़ेगा। अब मैंने आपके साथ ये तो शेयर कर दिया कि ये फेस पैक आपको कितनी बार यूज करना है। अब मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि ये फेस पैक आपको कब यूज करना है, या ये पैक आपको कब यूज करना है। देखिए, आप चाहें इसे डे टाइम में भी यूज कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड यही करूंगी कि आप इसे नाइट टाइम में यूज करिए। अब आप सोचेंगे कि नाइट टाइम में क्यों, क्योंकि नाइट टाइम में जब आप इसे यूज करेंगी, आप अपने फेस को क्लीन करेंगी, उसके बाद आपको कहीं जाना नहीं होगा। आप अपने फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकती हैं, सीरम अप्लाई कर सकती हैं, नाइट क्रीम अप्लाई कर सकती हैं, जो भी आप अप्लाई करती हो, उसके बाद आप सो जाएंगी। तो ये जो पैक आपने अप्लाई किया है, इसे वर्क करने के लिए या अपना काम करने के लिए इसे इनफ टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आप डे टाइम में करती हैं तो आपने अपने फेस को क्लीन किया, पैक लाया, उसके बाद आपने मेकअप कर लिया, या अगर आप बाहर जा रही हैं तो फिर से वही धूप आपके फेस पे लगनी है और आपका फेस तो फिर से टैन हो जाएगा। या जो आपने अंडर आई के लिए किया, ये उसके लिए क्या वर्क करेगा। इसलिए नाइट में यूज करिए तो ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे एक चीज मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी
आपने क्लीन अप कर लिया, अब आपका फेस जो है वो हल्का सा ड्राई फील होगा, क्योंकि मेरा फेस हल्का सा ड्राई फील हो रहा है। तो अब इसके लिए आपको सबसे पहला काम जो करना है वो लेना है आपको एक रोज वाटर। फिलहाल मैं यहाँ पे अपोलो फार्मेसी का ले रही हूँ, क्योंकि मैं अभी यही यूज कर रही हूँ। और इसे आपको लेना है एक कॉटन पैड पे। तो यहाँ पे मैंने कॉटन पैड पे ले लिया है, और इससे आपको अपनी आईज को अच्छे से क्लीन करना है हल्के हाथों से। अब आप इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा। रोज वाटर जो होता है वो टोनर की तरह काम करेगा, फेस मिस्ट की तरह काम करेगा, मॉइस्चराइजर की तरह काम करेगा, साथ ही साथ एस्ट्रीजेंट की तरह भी काम करेगा। और रोज वाटर जो होता है वो नेचुरल होता है, ज्यादा प्योर होता है। तो ये आपके फेस के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी आईज के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, अगर आप में से किसी को भी आंखें बहुत ज्यादा जलती हैं, मेरी भी जलती हैं जब मैं किसी दिन ज्यादा लाइट के सामने रहती हूँ, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, तो आप कॉटन पैड में रोज वाटर लेके और अपनी आईज पर रख के कम से कम 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करिए, तो आपकी आईज जो है वो काफी कूल हो जाती है और जो जलन होती है वो चली जाती है, क्योंकि मैं भी इसे फॉलो करती हूँ। तो ये थे मेरे दोनों DIY जिन्हें आपको रेगुलर फॉलो करना है अगर आप चाहती हैं कि आपको इनका सही रिजल्ट मिले। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये कोई ब्लीचिंग प्रोडक्ट नहीं है, ना तो ये मार्केट के प्रोडक्ट हैं जो आपको एक ही दिन में अपना रिजल्ट दिखा देंगे। अगर आपको सही अच्छा और विजिबल रिजल्ट चाहिए तो आपको इसे रेगुलर फॉलो करना होगा। और एक बात कि अगर आपको इनमें से किसी भी प्रोडक्ट के साथ कोई एलर्जी है तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप उसे यूज करिए। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप में से अगर किसी ने भी इन दोनों को ट्राई किया और उन्हें कोई रिजल्ट मिलता है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं इन दोनों को फॉलो करती हूँ और मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। या जो भी है, अभी आप मेरे फेस पे देख सकते हैं कि ये ही रिजल्ट है, क्योंकि अभी मैं बेयर फेस हूँ, मैंने अभी आपके सामने सब कुछ यूज किया तो आपको पता चल ही गया होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।